नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की। वैसे आपने सुना होगा कि इस बार शिवरात्रि को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 18 तारीख को यानी 18 फरवरी को शिवरात्रि मनाई जाएगी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि 19 फरवरी को यानी कि 19 तारीख को शिवरात्रि मनाई जाएगी। तो आज इस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे कि शिवरात्रि आखिर किस दिन मनाई जाएगी, शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है यानी पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि शिवरात्रि के पूजा करने में कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, यानी पूजन की जो सामग्री है वो क्या है, पूजन की विधि क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी सब चीज़ जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फिर हम ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि आखिर जो महाशिवरात्रि है वो किस दिन है। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू पंचांग के हिसाब से जो चतुर्दशी तिथि है वो 18 तारीख को रात को 8:03 से प्रारंभ होगी, रात को 8:03 से प्रारंभ होगी और 19 तारीख को शाम 4:19 तक रहेगी। इस बीच में जो है पूरी चतुर्दशी तिथि रहेगी। तो और आपको ये भी पता होगा कि जो शिवरात्रि है वो निशिता काल में मनाई जाती है। इस कारण से आप सभी को या हम सभी को जो शिवरात्रि है वो 18 तारीख शनिवार की मनाना चाहिए और उसी दिन मनाई जाएगी। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि 18 तारीख को ही शिवरात्रि मनाई जाएगी। तो चलिए हम ये जान लेते हैं कि शिवरात्रि का मनाने का महत्व क्या है, इसके पीछे जो है वो क्या मान्यता है। तो कुछ जगह ऐसा माना गया है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह होता है, इस कारण से उसके उपलक्ष्य में हम उसको मनाने के लिए और उस खुशी में हम शिवरात्रि मनाते हैं। और कहीं जगह ये भी वर्णन आता है कि जो शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसका प्रागट्य इस दिन हुआ था, इस कारण से हम शिवरात्रि मनाते हैं। कुछ लोग इसको शिवजी और पार्वती के विवाह के रूप में लेते हैं और कुछ लोग जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसको प्रागट्य के रूप में लेते हैं। दोनों ही मान्यता अपनी अपनी जगह सही है। तो चलो ये तो हो गई शिवरात्रि के महत्व की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि शिवरात्रि जो पूजा करने का मुहूर्त है वो क्या है। तो देखिए, शिवरात्रि की जो पूजा होती है वो 4 प्रहर में पूजा की जाती है। अब वो 4 प्रहर की जो पूजा है वो किस किस टाइम में, वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए स्लाइड आप सामने देख रहे होंगे, इसके हिसाब से जो प्रथम प्रहर की पूजा है वो 18 फरवरी को शाम 6:41 से प्रारंभ होकर 9:47 तक रहेगी। द्वितीय प्रहर की पूजा है, दूसरे प्रहर की जो पूजा है वो 18 फरवरी को ही रात 9:47 से शुरू होकर रात को 12:53 तक रहेगी। तीसरी पूजा यानी तीसरे प्रहर की जो पूजा है वो 19 फरवरी को रात 12:53 से शुरू होकर सुबह 3:58 तक चलेगी। और जो चतुर्थ प्रहर की जो पूजा है यानी चौथी पूजा जो है वो 19 फरवरी को 3:58 से सुबह 7:06 तक रहेगी। तो ये तो थी आपकी पूजा का टाइम, यानी कि जो चारों पहर की पूजा होती है शिवरात्रि की, उन चारों पहर की पूजा का जो मुहूर्त है वो मैंने आपको बता दिया। इस बीच में आपको, इस मुहूर्त में आपको पूजा करनी चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि पूजा करने में कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कौन यानी कुल मिला के मैं आपको सामग्री बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप अभिषेक करना चाहते हैं तो अभिषेक करने के बहुत सारी चीज़ों से भगवान शिव का अभिषेक होता है, लेकिन मेनली जो लोग अभिषेक करते हैं वो या तो जल से करते हैं यानी कि गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है। अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं तो आपको दूध के से अभिषेक करना चाहिए, और अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं अभिषेक तो आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इन तीनों चीज़ों में से जो आपको करना है उसके हिसाब से कर सकते हो, या कुछ नहीं तो आप जल से तो अभिषेक कर ही सकते हैं। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि भगवान शिव की पूजा करने का तरीका क्या है और भगवान शिव की पूजा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए, सामने आप जो स्लाइड देख रहे हैं इसमें सारी चीज़ें लिखी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चढ़ानी है और किस किस तरह से चढ़ानी है। तो शिवरात्रि के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनना है। व्रत का संकल्प लेना कि आज मैं शिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ, इस प्रकार का आपको व्रत संकल्प लेना है। इसके बाद शिव मंदिर में आपको जाना है, भगवान शिव की पूजा करनी है। आप पूजा करने में जो सारी चीज़ें मैंने बताई है उनका आप यूज़ करेंगे, जैसे गन्ने का रस हुआ, कच्चा दूध हुआ, शुद्ध घी से इन चीज़ों से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हो। इनमें से किसी एक चीज़ को लेके भी अभिषेक आप कर सकते हो। फिर महादेव को बिलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फूल, फल, मिठाई, पान,
इत्र, इन सभी चीज़ों से भगवान का पूजा करना चाहिए। और इसके बाद आप भगवान शिव की शिव चालीसा कर सकते हो और उसके बाद आप आरती कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप भगवान शिव की पूजा करेंगे। देखिए, पूजा करने का बहुत बड़ा विधान है, लेकिन सभी लोग तो उस विधान से पूजा कर नहीं सकते। तो मैं आपको वही पूजा बता रहा हूँ जो ईजी है और सब लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आप साधारण सी पूजा करिए, उसमें ही आपको, अगर बस ध्यान रखिए कि आपका मन उतना अच्छा होना चाहिए, आपकी श्रद्धा भगवान में होना चाहिए, तो आप साधारण पूजा करोगे वो भी आपको उतना ही फल देगी जितना लोग बड़ी बड़ी पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया किस प्रकार से आपको पूजा करनी है और किस कौन कौन सी चीज़ें आपको लगानी है या किस कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके आनी है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि शिवरात्रि के दिन आप कौन से मंत्रों का जाप करोगे जिससे कि विशेष फल की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं कुछ आपको 5 मंत्र बता रहा हूँ, इनमें से जो आपको मंत्र अच्छा लगे, जो आप आसानी से कर सके, उसका आप जाप कर सकते हो। इससे विशेष फल की आपको प्राप्ति जरूर होगी, मनवांछित फल की प्राप्ति आपको जरूर होगी। तो पहला मंत्र क्या है, ये देखिए स्क्रीन पे आपको सारे मंत्र आपको दिख रहे होंगे। पहला मंत्र है ओम शिवाय नमः, इसका आप 108 बार जाप कर सकते हो। दूसरा मंत्र है ओम होम जुम सह ओम भू भव स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऊर्ध्वारुक में विबंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात् स्व भुव भू ओम सह जुम होम। तीसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं शिव गौराय ह्रीं ऐं ओम, ये तीसरा मंत्र हुआ। चौथा मंत्र है शिवाय नमः और पांचवा मंत्र है ओम त्रिनेत्राय नमः। इन 5 मंत्रों में से जो मंत्र आपको ज़्यादा आसान लग रहा हो या फिर आप जितनी आसानी से इसका जाप कर सकते हो, आप उस मंत्र को चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई विशेष है और इसमें कोई साधारण, ऐसा कुछ नहीं। सभी मंत्र बहुत अच्छे हैं, सभी का प्रभाव सेम है, आप कोई सभी मंत्र का जाप इस पर कर सकते हो। ये भी नहीं बनता है आपको तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो। अगर ये भी नहीं बनता है तो आप शिव महापुराण का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इनमें से कोई सभी मंत्र का आप जाप कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।